तुर्की के इस्तांबुल में मौजूद हागिया सोफिया म्यूजियम को अब मस्जिद बना दिया गया है। 1500 साल पुरानी यूनेस्को की ये विश्व विरासत मूल रूप से मस्जिद बनने से पहले चर्च था और 1930 के दशक में इसे म्यूजियम बना दिया गया था। सम्राट जस्टिनियन ने सन 532 में इसको बनाने का निर्देश दिया था और 5 साल में यानी 532 ईस्वी में ये बनकर तैयार हुआ था। ये ऑर्थोडॉक्स ईसाइत को मानने वालों का अहम केंद्र बन गया था। 1453 में इस्लाम को मानने वाले उस्मानिया हुकूमत के सुल्तान मेहमद द्वितीय ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया, जिसका नाम बदल कर बाद में इस्तांबुल कर दिया गया। सुल्तान मेहमद ने ही हागिया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करने का आदेश दिया था। इसी हागिया सोफिया के ठीक सामने 1818 में सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला बिन सऊद का सिर कलम कर दिया गया था। उस्मानिया सल्तनत यानी ऑटोमन साम्राज्य के सैनिक किंग अब्दुल्ला बिन सऊद और वहाबी इमाम को जंजीर में बांधकर इस्तांबुल लाए थे। जब किंग अब्दुल्ला का सिर काटा जा रहा था तो हागिया सोफिया के बाहर भीड़ जश्न मना रही थी और सिर काटे जाने के बाद पटाखे फोड़े गए थे। हागिया सोफिया के बाहर किंग अब्दुल्ला का सिर कटा शव 3 दिनों तक लोगों के देखने के लिए रखा गया था। वहीं इस्तांबुल के बाजार में वहाबी इमाम का सिर कलम किया गया था। इस दौरान उस्मानिया हुकूमत के सैनिकों ने सऊदी की राजधानी रही दिरिया और रियाद के बाहरी इलाकों को ध्वस्त कर दिया था। ऑटोमन साम्राज्य ही 1924 में सिमटकर आधुनिक तुर्की बना और आज का तुर्की उस्मानिया हुकूमत को अपना गौरवशाली इतिहास मानता है। सऊदी अरब तुर्की के साथ अपने इस खूनी इतिहास को शायद ही कभी भूल पाएगा। जेएनयू में मध्य पूर्व मामलों के प्रोफेसर एके पाशा कहते हैं कि सऊदी अरब जब अपने इतिहास में झांकता है तो उस उस्मानिया हुकूमत की याद सबसे पहले आती है। प्रोफेसर एके पाशा कहते हैं कि ऑटोमन ने सऊदी वालों को हमेशा असभ्य कबीला माना, भले सऊदी में मक्का मदीना है और दोनों ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में भी रहे हैं, लेकिन तुर्की का कोई सुल्तान कभी हज पर नहीं गया। सऊदी अरब के वर्तमान शासक 84 साल के किंग सलमान और 34 साल के क्राउन प्रिंस उसी अब्दुल्ला बिन सऊद के खानदान से आते हैं जिनका हागिया सोफिया के सामने सिर कलम किया गया था। सऊदी अरब को 1932 से पहले 2 बार एक देश बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन दोनों बार ऑटोमन साम्राज्य ने इसे तबाह कर दिया। इसे पहली बार 1818 में तबाह किया गया और दूसरी बार 1871 में। सऊदी की तीसरी कोशिश तब सफल रही जब पहले विश्व युद्ध में उसने ब्रिटेन का साथ दिया और ऑटोमन साम्राज्य को मुंह की खानी पड़ी। अब एक बार फिर से तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान उस्मानिया हुकूमत के अतीत को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं और हागिया सोफिया उसकी ताजा मिसाल है। सऊदी और तुर्की दोनों सुन्नी मुस्लिम देश हैं, लेकिन दोनों का इतिहास उतना ही रक्त रंजित रहा है।